नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। दिल्ली नगर निगम के पार्षद और महापौर मुख्यमंत्री आवास पर सर्दी रातों में भी धरने पर बैठे हुए हैं। यह धरना पिछले कई दिनों से दिल्ली सरकार पर बकाया 13,000 करोड़ रुपए की मांग को लेकर जारी है। धरने में शामिल दक्षिण दिल्ली के महापौर अनामिका मिथिलेश व उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर जयप्रकाश की भी तबीयत खराब हुई है, जिसके चलते डॉक्टर की टीम लगातार इनकी जाँच कर रही है और दक्षिण दिल्ली के महापौर अनामिका मिथिलेश को हिंदूराव अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के नेता व मेयर जयप्रकाश ने बताया कि ये लोग 300 घंटे से मुख्यमंत्री आवास पर धरने पर बैठे हुए हैं। इनका अनिश्चितकालीन धरना है। तीनों निगम के मेयर के साथ 30 निगम पार्षद भी धरने पर बैठे हुए हैं। ये लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर सर्दी रातों में मुख्यमंत्री आवास पर धरना दे रहे हैं, लेकिन एक बार भी दिल्ली के मुख्यमंत्री इन लोगों से मिलने के लिए नहीं आए। ये धरना दिल्ली नगर निगम के दिल्ली सरकार पर बकाया 13,000 करोड़ रुपए और निगम के 2 लाख कर्मचारियों और दिल्ली के 2 करोड़ जनता की हक की लड़ाई है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर जयप्रकाश का कहना है कि ना ही दिल्ली सरकार निगम का बकाया देने की बात कर रही है और ना ही इस पर कोई टिप्पणी दे रही है। यह बकाया तो दिल्ली सरकार को देना होगा और बार बार सदन चलाए जा रहे हैं, जिसमें एक बार में मुख्यमंत्री ने अभी तक बकाया देने की बात नहीं करते। बिना पैसे मिले ये लोग यहाँ से हटने वाले नहीं, क्योंकि 13 दिनों से लगातार मुख्यमंत्री आवास पर धरना जारी है। एक सवाल के जवाब में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर ने कहा कि केजरीवाल सरकार धरने के माध्यम से दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई थी और इनका काम पूरा हो गया है। दिल्ली की हालत बहुत ही बदहाल कर दी है, जिसकी वजह से निगम कर्मचारी परेशान है, जिसके चलते निगम के नेता व निगम पार्षद मुख्यमंत्री आवास पर धरना दिए हुए हैं। अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री अपने आवास से बाहर निकलकर नगर निगम के नेताओं से मिलते हैं या नहीं, या निगम के नेता इसी तरह से धरना प्रदर्शन कर दिल्ली की जनता और नगर निगम के कर्मचारियों के नाम पर 13,000 करोड़ रुपए की मांग को लेकर प्रदर्शन करते रहेंगे। देखिए, 13 दिन से हमारा तीनों निगमों का यहाँ पर धरना चल रहा था, जिसमें भूख हड़ताल का 3रा दिन है। 2 लाख निगम कर्मियों के वेतन को लेने के लिए, 13,000 करोड़ को लेने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कि सोए हुए हैं, लेकिन हमने कहा कि ये लड़ाई 2 लाख कर्मचारियों की है, ये लड़ाई 2 करोड़ जनता की है। भ्रष्ट मुख्यमंत्री अंदर लेटे हुए हैं और जो निगम अच्छे से काम कर रही है उन पर वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। हम किसी भी हद तक जा कर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। देखिए क्या है कि पिछले 13 दिन में जितनी ठंड सर्दी में पड़ी, सर्दी दिल्ली में पड़ी है, आज से पहले नहीं पड़ी। 3 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड तोड़ दिया दिल्ली के अंदर सर्दी का। इसकी वजह से तो यहाँ रात को हम ठंड में यहाँ पड़े हुए हैं। कोई डायबिटीज है, किसी को बीपी है, मेरे को दोनों चीज़ें हैं। 3 दिन से हम बिगड़ दवाई के, क्योंकि खाली पेट दवाई ले नहीं सकते। तो 13 दिन अंदर में बैठने हो गए, बगैर फिलहाल अंदर से कुछ रिस्पांस आया कि नहीं? नहीं, मुख्यमंत्री अंदर से तो घबराए हुए हैं, बाहर नहीं आ रहे। आना पड़ेगा उनको, क्योंकि अभी ये आंदोलन हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन हो गया है।